इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते मुकद्दसा मुतहरा वास्ते खुतबाए जुमा दे अंदर तुसा अहबाब दे सामने एक ऐसा मसला कि जिन्हों अगर असी अपना लईए दुनिया भी अल्लाह साड़ी बेहतर बना देंगे और अल्लाह दुल जलाल कयामत वाले दिन भी सानू कामयाबियां ला नसीब फरमा देंगे। वो मसला इस तरह दा कि अपनी जबान नू खामोश रखना यानी एक चुप ते बंदे नू अल्लाह दुल जलाल सुख सुख नसीब कर देने। अपनी जबान दे विचों उदों बोल बोलने ने कि जदों को अल्लाह दुल जलाल दा जिक्र करना है या सानू किसे दे नाल को जरूरी मामलात पेश आ जांदे ने अपनी जबान नू खुला ना छोड़िए। अपनी जबान नू इनू काबू दे अंदर रखिए। इहदे नाल बेहुदा जुमले बोलना गाली गलोच करना किसे दी चुगली खाना किसे दी गीबत करना और किसे दे खिलाफ इस जबान नू इस्तेमाल करना साजिशां दे जाल विछाना इस जबान नू जदों बंदा काबू दे अंदर रख देंदा है बेशुमार बीमारियां दे कोलों अल्लाह इस बंदे नू महफूज फरमा देंदे और फिर इहदे अंदर ही अल्लाह दुल जलाल दी रजामंदी शामिल है। जद बंदा खामोशी इख्तियार करता है और जदों कयामत दा दिन होना है अल्लाह दुल जलाल बंदे दा जिहड़ा हिसाब करनगे उहदे अंदर भी अल्लाह दुल जलाल कमियां पैदा फरमा देंगे और फिर बेशुमार गलतियां दे कोलों अगर कोई बंदा बचना चाहता है तो उस बंदे नूं भी चाहिए कि खामोशी इख्तियार कर ले और जाहल दे दरमियान भी अगर कोई चीज फर्क करने वाली है जाहल दे दरमियान एक हिजाब हुंदा है और आलम दे अंदर इनू अल्लाह दुल जलाल ने खूबसूरती बना छड़िया। आओ इस जबान नू काबू दे अंदर रखिए इनू कंट्रोल दे अंदर रखिए। कहंदे ने कुहाड़ियां दे जख्म ने तलवारां दे जख्म ने ये मिट जांदे ने लेकिन इस जबान दे नाल लगाया जख्म मिटदा नहीं। इस जबान का जख्म जेड़ा है बड़ा ही गहरा जख्म होंदा बंदे नूं भुलदा नहीं। आओ जदों भी बोल बोलने ने गुफ्तगू करनी है प्यारी जी गुफ्तगू करो अल्लाह का जिक्र करो किसी की खैरखाई वास्ते जुमले अपने इस्तेमाल करो। अल्लाह दुल जलाल दे कुराम ने साड़ी बड़ी अच्छी तरबीयत की बड़ी अच्छी रहनुमाई की कि जिन्हें भी लोग ने उन्होंने मामला करो मुहब्बत नाल करो प्यार दे नालो दे ना गल्ला बाता करो। जदों बंदा प्यार नाल गुफ्तगू करदा है जिहड़े बंदे दे दुश्मन हुंदे ने ओह भी बंदे दे अपने बन जांदे ने। जदों बंदा प्यार नाल गल नहीं करदा गुस्से नाल गल करदा और बंदे नाल अजीब अंदाज दे नाल गल करदा ते ओह बंदा ओह कहिंदा यार इहदा ते जनाब टिर टिर या टर टरे दी मुकदी कोई नहीं मैं इहदे नाल गल नहीं करनी। जदों भी जुमले बोलो सोने जुमले बोलो। अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ने भी फरमाया फरमाया दुनिया दे लोगों कुरान ने की आख्या है अल्लाह दे ने वाकुलो लिन्नास हुस्ना अल्लाह दुल जलाल दे कुरान दिया बेशुमार आयतां अल्लाह फरमांदे ने कुलू लिन्नास हुस्ना लोकां नाल गल करो ते चंगी गल करो प्यार नाल गल्लां बातां करन वाला दुनिया अंदर कामयाबी वाला। फिर अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम आया अल्लाह फरमांदे ने कुल इबादी यकूल लतीह या अहसन इन शैतान यनज़ागो बैनहुम इन शैतान काना लिल इंसान अदुवम मुबीना।
अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ने फरमाया है, फरमाया जदो भी तुसी गुफ्तगो करनी है, अल्लाह फरमांदे ने ना बंदियां नाल प्यारियां प्यारियां गल्लां करो, इन्हां नाल सोनियां गल्लां करो, क्योंकि शैतान बंदे दा दुश्मन ने। शैतान बंदे नूं वरगला नंदर अपना अहम किरदार अदा करदा है, ये तुहाडा खुला दुश्मन ने। किते तुहाडे दिल अंदर अजीब किस्म दियां चीज़ां ना पैदा कर जाए। आउन अल्लाह दुल जलाल फरमांदे ने या अय्यो अल्लज़ीना आमनु तक्कुल्ला वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'अल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़ान अज़ीमा। अल्लाह ने ईमान वालिया नूं मुखातब फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने मेरे कोलो डर जाओ ते सीधी सीधी गल करिया करो, गल दे अंदर वल ना पाया करो। फरमाया जेड़ा बंदा सीधियां सीधियां गल्लां करन वाला है, अल्लाह फरमांदे ने मैं ओहदे गुनाह भी माफ कर देवांगा, मैं ओहदे अमलां नूं चंगा बना देवांगा। कियामत वाले दिन जदों आएगा मैनूं अपनी जन्नत दा मेहमान भी बना देवांगा। यानी साडा कम यह हो कि गल चंगी करनी, मोहब्बत वाली प्यार वाली गल करनी। फिर अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ने जनाबे मूसा नबी दा कौम मूसा अलैहि सलाम दी कौम दा तज़करा बयान फरमाया, उन्हां दियां अक्सर गल्लां इंज दियां उह टर टर करदे रहिंदे, यानी वन सवन्ने नबी कोलों सवाल करदे रहिंदे, इहदी उह गां किवें दी होणी चाहीदी ए, उहदा रंग किवें दा होणा चाहिदा, हल ज्योति होए, यानी होर कई किस्म दे सवाल करदे। ऐ मूसा अलैहि सलाम दी जाओ तुसी आप लड़ो ते तुहाडा रब लड़े, असी ते इत्थे बैठे हां। यानी उन्हां ने भी सवाल करने, वन सवर ने सवाल करने। अल्लाह फरमांदे ने अम तोरी दूना अंता सालो रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कबल व मैयत बदल अल कुबरा बिल ईमान फकत जल्ला सवा सबील। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी को इंज दे सवाल नहीं करने, बोतियां गल्लां नबी पाक अली सलाम दे सामने बह के नहीं करनियां। जिमें मूसा नबी दी कौम दे लोग सवाल कर दे गए, ये गल्लां बातां कर दे गए ते उन्हां वास्ते मुश्किलां पेश आमदियां गईयां। अल्लाह फरमांदे ने उन्हां लोकां ने ये जनाब कुफर नूं ईमान दे बदले खरीद लिया, यानी ईमान छड़ के कुफर इख्तियार कर गया, ते जेड़ा बंदा भी कुफर दे अंदर चला जांदा है, अल्लाह फरमांदे ने वह बंदा गुमराह हो गया, वह बंदा सीधे रस्ते तो भटक गया। आउन अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ने सानू ये समझाया, जिते गल करनी है प्यारी करनी है, ते गल एवें लगदी आद दे कोलो बचना है, गाली गलोच कोलो अपने आप नो बचा लैना है। वेखो ना जनाबे ज़करिया अलैहि सलातु सलाम नो, अल्लाह फरमांदे ने मेरे ज़करिया जी तीन दिन तक किसे नाल कलाम नहीं करना, किसे नाल गल्लां बातां नहीं करनियां, लेकिन मेरा जिक्र करना है, मेरियां तारीफां करनियां। नवाज़ कुर रब्बा का कसीरम व सब बिल आशी वल इबकार, यानी दिन रात मेरियां तारीफा करनियां। अल्लाह दी तारीफ दे अंदर बंदा हिचकचाहट महसूस ना करे, जिते गाली गलोच दा मामला आए, जिते चुगली खान दा मामला आए, जिते गीबत करम दा मामला आए, जिते बहतान बाजी करम दा मामला आए, उते बंदे नूं चुप्पी बड़ी प्यारी, बंदे आ चुप कर जाएगा, कई के मामले अल्लाह सुधार देवनगे। अल्लाह दुनिया दियां भी कामयाबियां तेरा नसीब बना देंगे, अल्लाह कयामत दे दिन भी तेनू अपनी जन्नत का मेहमान बना देंगे। आओ ना जिदे
बहुते गुनाह वाला बंदा केड़ा है। नबी पाक ही सलातो सलाम ने फरमाया फरमाया अक्सरो खताया इब्ने आदम फी लिसानिही। अगर बंदे दियां बहुतियां गलतियां ने ओ बंदा बहुतियां गलतियां करदा ही जेड़ा बंदा जुबान दा गलत इस्तेमाल करदा है। हर वेले बोलदा रहिंदा है यानी बहुता बोलन वाला बंदा ओदे गुनाह भी बहुते हुंदे ने बहुतियां गल्लां करन वाले दे गुनाह भी बहुते हुंदे ने। इसे वजह तो जदों सुबह दा टाइम हुंदा है इंसान दे सारे जिस्म दे अज़ा जिहड़े ने इस जुबान अगे हाथ जोड़ के खड़े हो जांदे ने और तरले मिन्नतां करदे ने अल्लाह दा वास्ता ही चुप करके रहिए अल्लाह दा वास्ता ही बहुतियां गल्लां ना करिए। ये वास्ता देंदे ने जिस्म दे सारे अज़ा। अगर तू चुप रहेगी तू सीधी रहेगी सारिया चीजा सीधिया रहनगियां। अगर तू डिंगी हो गई तेरे नाल असी भी डिंगे हो जावांगे। ऐ बोलदी जुबान ने ऐ मार खांदा पूरा जिस्म है बोलदी जुबान ने सारे जिस्म नू मारा पैंदियां ने। इस वास्ते बंदा जेड़ा गलत किस्म का जुमला उन्हू बंदा कुट लै। असी जुमले नहीं कुटदे बंदे असी जाया कर देने बंदे असी बेकार कर देने। फिर बाद अंदर बंदा पछतांदा बाद अंदर बंदे नू रंज हुंदा तकलीफ हुंदी है। फिर इस वास्ते बेहतर काम एह नहीं कि बंदा चुप नू अपना लै। खामोशी वाला बंदा रब नू बड़ा महबूब लगता है क्योंकि इंसान की जिंदगी दी एक एक गल नोट करने वाले नोट कर देने जबान दे विचों निकलन वाला जुमला नोट कीता जा रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने माई अल्फिजो मिन कौलन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। बंदा जेड़ा भी जुमला बोलता है बंदे दा जुमला नोट कीता जा रहा है। जे बंदा जिक्र करता है वह भी नोट कीता जा रहा है। जे बंदा कुरान पढ़ता है जे बंदा तिलावत करता है जे बंदा जनाब अल्लाह दे जिक्र अंदर दीगर मामलात अंदर अल्लाह दी फरमा बरदारी करदा सारियां गल्लां नोट कीतियां जा रही हैं। किरामन कातिबीन बंदे दी जिंदगी दी ए जनाब फिल्म तैयार करदे जा रहे हैं। जेड़ा भी बोल बोलिए सो समझ के बोल बोलिए। हजरत माज रसी अल्लाह ताला अनहोने मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम दे बड़े प्यारे जानिसार ने कह लगे अल्लाह दे नबी जी मेनू को प्यारा अमल दसो मेनू को सोना अमल दसो मैं अमल करा ते मेनू अल्लाह जन्नत दे करीब कर देवे अल्लाह मेनू जहन्नम तो दूर कर देवे। मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम ने इन्हां नू फरमाया नफली सदका भी करिया कर। इन्हां नू नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया रोजे भी रखिया कर। इन्हां नू मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया जिहाद दे मैदान अंदर अपना कदम भी अगे बढ़ाया कर। फरमाया नफली नमाजा भी पढ़निया ने नफली सदके भी करने ने अल्लाह दे रस्ते अंदर जिहाद का मामला भी सर अंजाम देने। फिर अल्लाह दे पैगंबर ने आखर ते जेड़ी गल फरमाई फरमाया एक ऐसा अमल के जेड़ा अमल इन्हां सारिया चीजा नू महफूज रखन वाला। मेरे नबी दे सहाबी आंदे ने अल्लाह दे नबी ओ केड़ा अमल है। मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम ने अपनी जबान नू कुट के फल लिया ते आका फरमांदे ने कुफ अलैका इहनू काबू विच रखना ही इहनू कंट्रोल विच रखना है। सहाबी कहन लगे अल्लाह दे नबी जी ए जुबान दा इहनां चीज़ां नाल केड़ा मामला है। आप फरमांदे ने साकेलत का उम्मोगा ओ तेरी मां तेनू गुम पाए कयामत दा दिन होएगा। अक्सर लोग जेड़े ने इना चेहरियां दे बल अपने नथनियां दे बल जहन्नम दे अंदर इसे जबान दी वजह तो पाए जांगे इसे जबान दी वजह तो जहन्नम दा ईंधन बन जाएंगे। यानी वो बोलते रहते ने अपनी जबान तो अजीब किस्म के जुमले कट दे रहते ने जिदी वजह तो इस जबान की वजह तो कई लोगों नथनियां के जरिए चेहरियां के जरिए अल्लाह दुल जलाल जहन्नम दा ईंधन बना देंगे। अल्लाह सब नू महफूज फरमाए।
एक वो भी बंदा सी जड़ा कहिंदा सी अल्लाह दुल जलाल ने तेनू माफी नहीं करना क्योंकि बंदा थोड़ा जिहा ना कुआला बन जाए। क्यों? कुरान ने भी आखिया फला तो ज़कू अनफुसा कोमे, कोई बंदा अपने आप नू बोता मुत्तकी ना के मैं बड़ा पाक साफ हाँ, मैं बड़ा परहेजगार हाँ, मैं अल्लाह पाक दे बड़े नेड़े हाँ, ते दूसरा नू अकीर समझदा है तेरी की औकात है। फलाने नू कहिंदा जी तू की आ, तू ते अल्लाह दे घर विच नहीं आंदा, यानी अजीब किस्म दे जुमले अपनी जबान तो बोल देंदा। फिर आखर ते जुमला बोलदा ही अल्लाह ने ते तेनू माफी कोई नहीं करना, अल्लाह ने ते तेनू माफियां कोई नहीं देनियां। वेखो माफियां दे टिकट वंडे जांदे ने, अज भी दुनिया अंदर माफियां दे टिकट लोकी वंडदे फिरदे ने। ए बंदे ने जन्नत विच नहीं जाना, ए बंदे ने जहन्नम दा ईंधन बनना। असीं क्यों किसे नू इंज दे फतवे ला दईए फलाने नू अल्लाह ने माफ नहीं करना। इहदा केस भी अल्लाह दी अदालत इंसाफ दे अंदर आया, अल्लाह दुल जलाल ने उहनू माफ कर दिता, ते जिन्ने कहा सी ना अल्लाह ने माफ नहीं करना, अल्लाह ने उहनू जहन्नम दा ईंधन बना दिता। यानी जुमला बोलो सो समझ के जुमला बोलो, किसे दे खिलाफ अपनी जबान नू अगे ना बढ़ाओ। एक चुप बंदा कर लैंदा ते सो खल्ला नसीब कर देंदे ने। अपनी जबान तो गलत जुमले कुटना बंदिया तेरा कम है, अल्लाह कयामत दे दिन कामयाबियां देंगे, दुनिया विच भी अल्लाह कामयाबियां नसीब फरमा देंगे। देखो ना दुनिया अंदर बंदा जेड़ा है किसे दियां गल्लां ते चुप रहिंदा है। आओ ना नबी पाक सलाम दे सहाबी दी गल सुना लगा। अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मेरे नबी दे सफर दे साथी, नबी पाक अली सलाम दे हजर दे साथी, मेरे नबी पाक अली सलाम दियां जंगा दे साथी, आप दे नाल बैन उठन वाले अल्लाह दे नबी निकल दे ते नाल मेरे नबी पाक अली सलाम ना जान वाले। एक दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा ने, एक बंदा इन्हां नूं जुमले बोली जांदा, टर टर करी जांदा, अजीब किस्म दियां गल्लां करी जांदा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो खामोश ने कोई जवाब ना दिता, कोई गल ना कीती, ओहदियां गल्लां सुनी जा रहे ने, चुप करके सुनी जा रहे ने। ते कुछ देर गुजरी है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फिर भी को बुरा जुमला नहीं आखिया, ओहदे जवाब अंदर ये गल्लां कीतियां ने, जिहड़ी गल तू करन डिया मैं उवें दा कोई नहीं। जदों अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इन्नियां गल्लां कीतियां, हालांकि मेरे नबी भी लागे बैठे ने, जदों अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इन्नी गल कीती, मेरे नबी पाक अली सलाम नूं टोठ पैंदे ने। ते यार यारां नूं जान देते हुंदे ने ना, उहनां दियां तबीयतां तो वाकफ ते हुंदे ने ना। अबू बकर रज़ी अल्लाह नूं परेशान हो गए, हुणे हुणे अल्लाह दे नबी ते बैठे सामने, हुणे ही उठ के क्यों चले गए ने। मेरे नबी अली सलाम मिलते ने अल्लाह दे नबी दी की मसला बन गया है। आका फरमांदे ने जदो तू चुप सी, तू चुप सी, अल्लाह दी तरफ एक फरिश्ता सी, ओदियां गल्लां दा जवाब देई जांदा सी, ओ गल करदा सी जिवें ओ गल करदा सी, अल्लाह दा फरिश्ता जवाब देई जांदा सी। जदों अबू बकर जी तू जवाब दिता, ओ जवाब देण वाला फरिश्ता भी चला गया, ते मैं सोचिया जी ते अल्लाह दा फरिश्ता टुर जाए, जिथों अल्लाह दा फरिश्ता चला जाए उते मैं नबी दियां जरूरतां कादियां ने। इस वास्ते जेड़ा बंदा भी किसे दी गल ते चुप रहिंदा, ओहदा जवाब देन वास्ते अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर फरमाए। यानी चुप बंदे दा कम करना ते ओहदी गल दा जवाब देना मेरे अल्लाह दुल जलाल दे मलाइका दा कम है। एक होर सहाबी आ गए, कहन लगे अल्लाह दे नबी अली सलातो सलाम दी मेरे जेड़े रिश्तेदार ने, मैं उन्हां नाल चंगा मामला करना, बेहतर मामला करना, मैं उन्हां नाल बुरदबारी ना पेश आना, मैं उन्दे नाल मुहब्बत ना पेश आना, अपने रिश्तेदारां नाल मुहब्बत करना, प्यार करना, अकीदत करना, उन्हां दियां गल्लां नूं बर्दाश्त करना। लेकिन फिर भी मेरे नाल जहालत नाल पेश आउंदे ने, फिर भी वह मैनू बुरा समझदे ने, फिर भी वह मैनू गालां कढ़दे ने, फिर भी वह मैनू मंदा बोलदे रहिंदे ने। नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया, अगर तेरियां गल्लां सही ने तो उहनां नाल मुहब्बत का मामला करना, तो उहनां नाल प्यार का मामला करना, अगो जहालत नाल पेश आउंदे ने, तेरे नाल ज़्यादतियां करदे ने, मेरे नबी
नबी पाक अली सलातो सलाम ने फरमाया वमा यसालो माका में अल्लाह ज़हीर है। फरमाया जे तू चुप रहेगा ना उन्हां दियां गल्लां सुनदा जाएगा अल्लाह दुल जलाल दी कसम तू उन्हां दे मुंह दे विच राख पे पाउना। अगर तू उन्हां दियां गल्लां दा जवाब नहीं देंदा ते तू उन्हां दियां उन्हां दे मुंह अंदर राख पाउना फिर एक फरिश्ता जेड़ा अल्लाह दुल जलाल तेरे वास्ते मुकर्र कर देंगे वो तेरा निगरान होएगा तेरा मुहाफ़िज़ होएगा। यानी इन्हां दोनों रवायतों के विचों एक गल बड़ी प्यारी मिली कि जेड़ा बंदा चुप रहिंदा ना उहदे वास्ते अल्लाह दुल जलाल स्पैशल फरिश्ते की ड्यूटी ला देंदे ने जिन्नी देर तक बंदा उहदियां गल्लां दा जवाब नहीं देंदा उहदे बारे कोई गल नहीं करदा मेरे फरिश्तिया तू उहदी तरफों जवाब देना है। यानी चुप रहने वालियां दे नाल अल्लाह दुल जलाल दे मलाइका हुंदे ने चुप रहने वालियां दे सहारा आसमान वाला रब बन जांदा है। ये चुप दे अंदर अल्लाह दुल जलाल ने बड़े फायदे रखे ने आ खामोशी इख्तियार की दिए अपनी जबान तो गलत किस्म के जुमले ना बोलीए जे जुमले बोलने ने प्यारे जुमले बोलने ने मुहब्बत वाले जुमले बोलने ने या इस जबान तो कुरान पढ़ना जिक्र करना तिलावत करनी है लेकिन जिथे अल्लाह की तौहीद का मामला आ जाए फिर उथे बंदे नू चुप रहना चाहिए। जिथे अल्लाह दुल जलाल के बारे बंदा इंज दियां गल्लां करे रब दे नाल शिरक करे फिर उन्हां दा तो टोक बंदा जवाब देवे कि रब तो इलावा को मुश्किल कुशान नहीं अल्लाह तो इलावा को हाज तरवान नहीं बिगड़ियां बनाल वाला रब तो इलावा कोई नहीं फिर उन्हां दा बरसरे ऐलान करे कि लोको रब ने होर गुनाह माफ कर देने ने लेकिन जेड़ा रब दे नाल शिरक करदा शिरक माफ हो सकदा नहीं हो सकदा। इंज करके ना एक जंग दा मामला ते जगां दे पीर रब दे हबीब अली सलातो सलाम ना एक जगह ते तशरीफ फरमाम ने अबू सुफियान बड़िया गल्लां करदा कहन लगे क्या तुहाडे अंदर अबू कहाफा दा बेटा मौजूद है के नहीं। आवाज आई मेरे नबी फरमांदे ने चुप रहना कोई गल नहीं करने। कहन लगे क्या तुहाडे अंदर इब्ने खताब खताब दा बेटा मौजूद है के नहीं। मेरे नबी पाक अली सलातो सलाम फरमांदे ने चुप रहना कोई गल नहीं करने। पहला ते ने मेरे नबी पाक अली सलाम दे बारे पूछया क्या तुहाडे अंदर अल्लाह दे नबी नहीं आप चुप ने। अबू बकर दे बारे पूछया आप चुप ने ते जदो उमर दे बारे पूछया अली सलातो सलाम चुप ने ते जदो इन्हें गल की लो जी सारे तबाह हो गए हुबल दा नाम उच्चा हो गया साडा हुबल जिंदाबाद है। हुण मेरे नबी ने फरमाया हुण नहीं रुकना हुण तुसी बरमलाए दा जवाब दियो कि हुबल कुछ नहीं कर सकदे अगर कुछ कर सकदा है ते आसमान ते बैठा रब ही कर सकदा है। उस मुकाम ते नबी पाक अली सलाम ने अपनी जात दे बारे चुप रहना पसंद कीता। अबू बकर रजी अल्लाह अनहु नु भी मेरे नबी ने फरमाया चुप रह अपनी जात दा मसला है। उमर रजी अल्लाह अनहु ने भी कोई गल्लां बातां ना कीतियां जदो रब दी तौहीद दा मसला आया आपने फरमाया हुण इन्हां दा ठोक के जवाब दियो नारा तकबीर बुलंद कर दियो कि रब तो इलावा को मुश्किल कुशाम नहीं ए हुबल ते उता कुछ नहीं अगर कोई है ते आसमान ते बैठा रब ए। जदों इंज दे मामले होण फिर उते चुप रहना नहीं पर नाम दीगर मामलात दे अंदर बंदे दा जाती मामला जदों समामा बिन साल बड़ियां गल्लां करदा सी बड़िया गल्लां करदा जी तुहाडा शहर मदीना इंज दा तुहाडा चेहरा नौद बिल्ला इंज दा मैं तुहाडा शहर मदीना इनू अजीब समझना तुहाडे चेहरे नू अजीब समझना। मेरे नबी खामोश ने अल्लाह दे नबी पाक अली सलाम ने कोई जवाब ना दिता हालांकि रोटियां भी खान वाला कई के रोटियां खा जांदा लेकिन मेरे नबी खामोश ने कहन लगे आजाद कर दियोगे ते ठीक है अगर मैनू कतल कर दियोगे मेरी बरादरी बदला लैन वास्ते आ जाएगी। मेरे नबी अली सलातो सलाम फिर भी खामोश ने हुण अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने इनू आजाद कर दियो इनू आजाद कर दिता जांदा फिर उहदे दिल नू खिच पै जांदी ए खूह ते बैठा उत्थे सोची पिया जांदा आंदे ने उत्थे खलो के दिल विच ओ सोचा दुड़ामदा
ओ दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमामदा मैं करदार आ सकती पर ओ नरमी फरमामदा ए खुलक गवाही देंदा अहमद सच्चार दी जोक हबीब वाले हुन उथों निकलिया नबी पाक अली सलाम दी मजलस अंदर आ गया आका फरमांदे ने समामा मैं ते तेनू आजाद कर दिता सी माफियां दे दितियां सी कहन लगे हुन कलमा पढ़ा दियो मैनू बना लो मुरीद जी अल्लाह सच्चे दी मन ला या सच्ची तौहीद जी तुसी सच्चे रसूल हुने होई ए तईद जी ऐ कसम खुदा दी हुन नहीं ऐ गुंजैश इनकार दी जोक हबीब वाले आमना चुप दे अंदर ही अल्लाह दुल जलाल ने फायदे रखे ने चुप दे जरिए बंदा दुनिया कामयाबी वाली बना लेंदा अल्लाह दे नबी पाक अली सलाम दा एक होर फरमान आया आ फरमान दे ने मन का नयो मिनु बिल्लाहे वल यौमिल आखिर फल यकुल खैरन औलिया समत अल्लाह दे नबी फरमान दे ने जेड़ा बंदा आखरत ईमान रखदा है जेड़ा बंदा आखरत ईमान रखन वाला कयामत दे दिन ते ईमान रखन वाला है आ फरमान दे ने उस बंदे नु चाहिदा है बंदा चंगी गल कवे ते या बंदा चुप होके बह जाए या गल चंगी करे ते या बंदा खामोश होके बह जाए फिर आप अली सलातो सलाम दा एक और फरमान आया आप फरमांदे ने मैं यजमली मा बैन लहये व मा बैन रिजले आसमान लाहौल जन्ना आमिना दे लाल अली सलातो सलाम ने फरमाया मेनू जेड़ा बंदा दो चीजां दी जमानत दे दिंदा है एक अपनी जबान दी जमानत इनू चुप रखन दी जमानत बंदा मेनू दे दिंदा है एक अपनी जीनत दी शर्मगाह दी जमानत जेड़ा बदला मेनू दे देवेगा मैं अल्लाह पाक दा नबी ओनू जन्नत दी जमानत अता फरमा देना यानी चुप रहम दी जमानत कोई बंदा समीम दे दे लवे नबी पाक अली सलाम ने फरमाया मैं उस बंदे नु जन्नत दी जमानत अता कर देना आओ ना लोको कामयाबी चम दे दे अबू सर रजी अल्लाह तआला अनहु लो नबी पाक अली सलातो सलाम ने दो चीजा एहो ही बयान कीतियां ने आमिना दे लाल अली सलाम ने फरमाया दो चीजा इंज दियां ने ओ तराजू अंदर बड़िया वजनी ने लेकिन ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਰਾਦੂ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਜ਼ਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੈਕਾ ਬੇ ਹੁਸਨਿਲ ਖੁਲਕੇ ਵਾ ਤੂਲ ਸਮਤ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ मामला चंगा रखन वाला बंदा मुहब्बत ना मिलन वाला बंदा प्यार ना मिलन वाला बंदा ओरे दे नाल ओ जेड़ा बंदा अपनी ज़बान नो ज्यादा देर तक खामोश रखन वाला बंदा ए गल्ला है ते मामूली ने लेकिन जदों इन्हां नू तराजू अंदर रखिया जाना ही तराजू इन्हां चीज़ां दे नाल ही अल्लाह पर देन उसने अखलाक नू अपनाओ ते अपनी जबान नू खामोश रखन वाला मामला अपनाओ अल्लाह दुल जलाल दे नबी पाक अली सलाम ने इसे चीज दियां जमानतां दित्तियां ने आओ ना नबी अली सलातो सलाम दे प्यारे सहाबी ने आमिना दे लाल अली सलाम कोल आके पुछदे ने अल्लाह दे नबी दी दुनिया तो चले जाना अल्लाह दी अदालत इंसाफ अंदर उते अल्लाह सानू कामयाबियां किवें देणगे अज ते बंदे ने ए समझ लिया ना अज ਔਲਤਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਐਮਪੀਏ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅਜੀ ਐਮਐਨਏ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅਜੀ ਸਦਰ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ
आखिया, दौलत वाला बंदा इनू कामयाबी नहीं आखिया। और एदे नाल नबी पाक सलाम ने गड्डियां कारां वाले बंदे नू कामयाबी नहीं आखिया। और जेड़ा उच्चियां बिल्डिंगां वाला बंदा मेरे पैगंबर सलाम ने इन्हां लोकां नू ए नहीं फरमाया कि कामयाबी वाले ने, गड्डियां कोठियां वाले कामयाबी वाले ने, दौलत वजारत वाले कामयाबी वाले ने। नबी पाक सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा चाहता है मैं कयामत दे दिन कामयाबियां पा लवां, आप फरमांदे ने अम सिका लई कलिसान का, आप फरमांदे ने अपनी जबान नूं ताला लाण वाला बंदा, खामोश रहण वाला, काबू विच अपनी जबान नूं रखण वाला बंदा ये दुनिया विच भी कामयाबी पाएगा, कयामत दे दिन भी कामयाबी पाएगा। और दो बीबिया का जिक्र भी नबी पाक सलाम ने किया है कि जेड़ी उन्हां चो एक बड़ी जबान दी तेज तरार नमाज़ां भी पढ़ती सी, तहज्जुदां भी पढ़ती सी, नवाफल भी पढ़ती सी, इहदे नाल अपने पड़ोसियां नूं अपनी जबान नाल तंग भी बड़ा करदी सी, टर टर करदी रहिंदी सी, चुप्पी कोई नहीं सी रहिंदे। नबी अली सलाम ने फरमाया उहदियां नमाज़ां, उहदे जिक्र अज़कार, उहदियां तिलावतां, उहदियां तहज्जुदां किसे काम दियां नहीं, अल्लाह पाक उन्हें एदी वजह तो जहन्नम दा ईंधन बना देंगे। इस वास्ते जबान दा इस्तेमाल हकूकुल इबाद दे अंदर एदा बड़ा अहम किरदार है। और फिर अरबी दा एक बड़ा प्यारा मकूला भी है, अमीतुल बातिला बिसमते, के बातल अगर तुसी खामोश करना चाहते हो कि बातल मिट जाए, खामोश हो जाए, ओदे वास्ते बेहतरीन हथियार खामोशी वाला। एक बंदा बड़िया बड़िया गल्लां करता रहिंदा है ना, अगर तुसी चार मिनट खामोश वेख लो तो उहदा रिजल्ट सामने आ जाएगा। और इंज दी एक बड़ी प्यारी हकायत सामने नजर आई, एक मियां बीवी ने ते घर दे अंदर उन्हां दी अजीब लड़ाई है, लड़ाइयां नहीं मुकदियां, सस सौ नौ दियां लड़ाइयां अक्सर घरां दे अंदर हुंदियां रहिंदियां ने। अल्लाह पाक घरां दे अंदर सब नूं सुख नसीब फरमा दे। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਵੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤਵੀਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਗੜੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਵੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਆਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਇਤਿਆਦ ਕੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਵੀਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਬੜਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਵਾਦਾ ਕਰਦੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਵੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿਥਣਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਏ, ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਮਲ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਕੁਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਇਮਾਮ ਕਸਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤਜਵੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਰੂਨ ਉਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮਜਲਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਮ ਕਸਾਈ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲੀਆ ਅਯੋ ਹਲਕਾ ਫਿਰੂਨ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ ਦਫ਼ਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਵੀ, ਕਦੀ ਸੱਬੇ ਸਮਾ ਰੱਬੀ ਕਲਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਰਾਤ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਲ ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਕਾਫਿਰੂਨ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਲਿਆ ਯੂਹਲ ਕਾਫਿਰੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਏ ਹਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮਜਲਸੇ ਫਿਰ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪੜਾਈ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੜਬੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਇਮਾਮ ਕਸਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਲਿਸਾਨ ਕਾ ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਲਿਸਾਨ ਕਾ ਲਾ ਤਕੂਲੂ ਫਤੁਬਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦਾ ਵਿਖਾ ਛੱਡਿਆ ਯਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀਏ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀਏ ਗਿੱਠਾ ਇਹ ਜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅੰਦਰ ਜਨਾਬ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਆਇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੜਵਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਇੰਨਾ ਕੋੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਕੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਟੋਕ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਦੋ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਔਰ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਔਸ ਬਿਨ ਹਾਰਸਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਹੀ ਦੌਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹਸਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਮ ਇਹ ਔਸ ਬਿਨ ਹਾਸਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਲਾ ਜੇ ਅੱਗੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਹਦੀ ਬੰਦਾ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਫਾਸਕ ਬੰਦਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜੀ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰ ਲੈ
करके आन वाला तस्दीक करया करो। इन्हें उस दिन हारसा गल्ला कीतियां के हातम ताई जेड़ा अपने आप नू इंज दा समझदा है, कह लगे कोई बसला नहीं, अल्लाह ने उन्हें शाना दितियां ने मेरे तो आला आला होवेगा। इधरों उठदा ते हातम ताई दे कोल चलिया जांदा, कह लगे जेड़े उस दिन हारसा ने वो तुहाडे बारे इंज दियां गल्लां करदे ने, वो ते अपने आप नू आला समझदे ने। याडी हातम ताई नू हो उन्हू ओ गल कीती ते ओदे नाल वी ओ गल कर दित्ती। हुण वेखो ना हातम ताई ने भी अगों इहो जवाब दिता, अल्लाह पाक ने उन्हू इन्ने बेटे दिते ने, अल्लाह ने उन्हू इन्ने बेटे दिते ने, ओदा एक बेटा भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकदा। हुण इह ते वेखो जिहड़ा ना इन्हां नू लड़ाण वाला ओदी फिर दाल ना गली, ओदा मसला हल ना होया। ते कहण लगे यार तुसीं दोनों ही असमत वाले। याड़ी जो बंदा समझदार हुंदा ना फिर उत्थे लड़ाइयां नहीं हुंदियां, उत्थे चपकलासां नहीं हुंदियां। ओ जेड़ा साजिशां करन वाला खुद ही नाकाम हो जांदा। हाँ अपनी जिंदगी नूं अगर बंदा चाहुंदा बेहतर बन जाए, अपनी जबान नूं काबू दे अंदर रखो, कंट्रोल दे अंदर रखो। कुछ देर जनाब अपनी जबान नूं चुपदा इहदे उत्ते ताला ला दिओ, ताकि जेड़ा बोलन वाला है ना उहनूं पता लगे ते मेरी गल दा जवाब भी कोई नहीं देंदा। जदों बंदा किसे गल दा जवाब नहीं ना देंदा, उह गल्लां करके आप ही चुप हो जाएगा। और इस बंदे नूं अल्लाह दुल जलाल कामयाबियां नसीब फरमा देंगे। आओ चुप दे अंदर अल्लाह दुल जलाल ने फायदे रखे ने। और अजकल माशरे दियां लड़ाइयां इसे वजह तो हुंदियां ने कि बंदा चुप नहीं रहिंदा। एक बड़ा प्यारा वाकिया, एक दुकान ते कम शम करदे ने लोग, इसे वतन दा वाकिया और हकीकी वाकिया। आपस दे अंदर मामलात कर देने, उन्हां विचों एक बंदे ने गाल कट दीती, दूसरे नूं गाल कटी, उन्हें भी अगों जनाब उहदी गाल दा इंज जवाब दिता। उहदे कोल एक जनाब वजनी चीज पई सी, उन्हें ओह चीज चुकी है, उहदे सिर विच मार दिती है, ते बंदा उत्थे ही मर जांदा। बंदा उत्थे ही जदों मर जांदा उहनूं जेल दी कोठी अंदर पहुंचाया जांदा। 20 साल जेल अंदर तड़पदा रहिंदा, बिलकदा रहिंदा, ते जदों जेल दे विचों आजाद होके वापस आया फिर अपनी गल लोकां नूं दसदा है। कहन लगे असी बंदे जाया कर देने, असी गल नूं घुटदे नहीं, असी गल नूं बर्दाश्त नहीं करदे। अगर उस दिन मैं उहदी गाल दा जवाब ना देंदा, उहदी गाल ते कोई अपना फैसला कदम अगे ना बढ़ांदा, मैं 20 साल जेल दियां उस काली कोठी दे अंदर ना जांदा। मेरे एक गलत हरकत दी वजह तो, मेरे जनाब चुप ना रहम दी वजह तो मैं उस बंदे नूं कतल कीता ई, ते रब ने मनो जेल दी कोठी अंदर 20 साल दाखल कर दिता है। यानी असी लफ्ज़ नहीं घुटदे, बंदे असी जाया करदे जांदे आ। अल्लाह दुल जलाल इस ज़बान नूं काबू दे अंदर रखन दी सब नूं तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दुनिया अंदर अक्सर गुनाह, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी यही फरमाया है कि अक्सर गुनाह इस वजह तो होंदे ने। हुण वेखो ना शैतान इबलीस दा अंजामे कार सामने नजर आउंदा है, उत्थे अल्लाह दुल जलाल दे मलाइका ने सारे ने, अल्लाह फरमांदे ने मैं आदम नूं बनाया ही, इन्हां नूं सजदा करो, चुप चपीते गल्लां किसे ना कीतियां। सारे फरिश्ते सजदे दे अंदर चले गए ने, सारे फरिश्तियां ने सजदा कीता, लेकिन एक आकड़ दे अंदर आया, बोल पैंदा की कहंदा, चुप ना रहा। उन्हें कीती मैं ते आदम अली सलाम तो वड्डा, मैं ते अग दे विचों निकले हाँ, अग ते उतां जांदी ऐ, जिहड़ी मिट्टी नीवीं हुंदी ऐ इहनूं अल्लाह ने मिट्टी चो बनाया, ते मैनूं अल्लाह पाक ने अग तो बनाया, लिहाजा मैनूं सजदा नहीं करना। उन्हें अपनी जबान तो यह जुमला बोलिया ही, फरिश्तियां नूं अल्लाह ने कामयाब कर दिता है। अज तक शैतान इबलीस वेख लो दुनिया ते जलील ही होंदे है, दुनिया ते रुसवाई होंदे है। इस वास्ते रात दी जिहड़ी इबादत है ना, रात नूं खामोशी तारी हुंदी है, हर बन्ने सन्नाटा हुंदा है, ते अल्लाह दुल जलाल ने भी रात नूं इबादत करन दा हुक्म इसे वास्ते कीता है, जदों सारे पासे खामोशी होए तुसीं मेरियां तारीफां करो। जिहड़ा रात दी तरीकी अंदर मैनूं याद करदा है, मैनूं मनांदा है, मेरे अगे हाड़े पांदा है, अल्लाह दुल जलाल फरमांदे ने मैं इस बंदे री
नेड़े हो के सुनना। रात की तरीकी अंदर अपने रब नू बुलाने वाले, अपने रब के सामने हाड़े पाने वाले, क्योंकि खामोश रात के अंदर अल्लाह नू कीते अमाल बड़े प्यारे ने। अल्लाह दुल जलाल सानू सब नू जो भी असी नेकियां दे अमाल करने आ, अल्लाह दुल जलाल साडे अमाल अपनी बारगाह अंदर लाख कबूल फरमाए और कबूल फरमा के अल्लाह सब दी नजात दा जरिया बनाए। अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो भी पहाड़ बुलंदी ते चढ़दे उदों ही जनाबे कहंदे आ जबान ने तू जिहड़ा भी जुमला बोलना चंगा जुमला बोलना है, वरना चुप रहना। चुप दे अंदर अल्लाह ने कामयाबियां रखियां ने। मन समा तां जा, जिहड़ा बंदा चुप रहिंदा है ना, आपने फरमाया गल्लां बातां नहीं करदा, मन न जा अल्लाह दुल जलाल कामयाबियां दे देंदे ने। ये ऐसा अमल है हज वास्ते, बंदे नूं बड़े तवीलों दराज सफर करने पैंदे ने, नमाज वास्ते वुजू करना पैंदा है, घर दे विचों टुर के मस्जिद दे अंदर आना पैंदा है, रोजा रखन वास्ते बंदे नूं सुबह तो लैके शाम तक भुख बर्दाश्त करनी पैंदी है, ज़कात देन वास्ते बंदे नूं अपना कीमती सरमाया कीमती माल प्यारी चीज है अल्लाह पाक दे रस्ते दे अंदर कुर्बान करनी पैंदी है, यानी नमाज वास्ते भी मेहनत ने, रोजे वास्ते भी मेहनत ने, हज वास्ते भी मुशक्कत ने, और सदके वास्ते भी मुशक्कत ने, लेकिन जबान दी चुप रहना ऐसा मसला है। इहदे वास्ते कोई मुशक्कत नहीं करनी पैंदी, कोई परेशानी उठानी नहीं पैंदी, बस तुसी चुप रहना, अल्लाह दुल जलाल तुहाडे मामले सीधे फरमा देंगे। अल्लाह किताबो सुन्नत दीआं जिहड़ियां गल्लां बयान फरमाईआं है, अल्लाह मेरे समेत अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।